किए होंगे और उनके अंदर जो प्रैक्टिस दी गई थी वो भी आपने दोहराई होगी तो सबसे पहले हम लेक्चर फोर के अंदर इंग्लिश लेटर एच की बात करेंगे एच आमतौर पर उर्दू के अंदर हे की आवाज़ देता है चाहे वो हे हलवाई वाली हो या हे दो चश्मी की जिसकी एग्जाम्पल की अगर हम, हम बात करें तो पहला वर्ड है हाई हाई High, जिसका मानी ऊंचा है अगर हम इस पर गौर करें तो इसके अंदर एच की आवाज हे की है दूसरा लफ्ज है, हैप्पीनेस के अंदर भी एच हे की आवाज दे रहा है ह्यूमन ह्यूमन के अंदर एच हे की आवाज दे रहा है ये तीनों वर्ड के अंदर एच को लफ्ज के शुरू में इस्तेमाल किया गया है अगर हम फर्दर एग्जाम्पल की बात करें थ्रो जिसका मानी मुकम्मल है यहाँ पे एच टी के बाद यूज किया गया है या एंड पे यूज किया गया है और अगर हम यहाँ पे एच की आवाज बात बात करें तो यहाँ भी हे दो चश्मे की आवाज है पर है, पर है शायद लाइट्स अहम इम्पोर्टेंट अगला असूल इसका ये है कि अक्सर औकात ओ से पहले एच की आवाज़ ख़त्म हो जाती है इट मीन्स अगर एच के बाद ओ आ रहा हो तो फिर एच की आवाज़ ख़त्म हो जाती है जैसा कि आवर घंटा यहाँ पे ओ से पहले एच है इसलिए एच अपनी आवाज़ नहीं देगा ओनेस्ट 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 नहीं है ओनेस्ट यहाँ भी एच क्योंकि ओ से पहले इस्तेमाल किया गया है इसलिए एच अपनी आवाज नहीं देता ऑनर ऑनर honor या ऑनरी नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश लेटर आई आमतौर पर एन अलीव छोटी या जेर के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है पर्टिकुलर पर्टिकुलर खास यहाँ पे अगर हम आई की बात करें तो आई इंग्लिश लेटर टी के बाद यूज किया गया है जिसके मानी है खास के और यहाँ पे आई की आवाज़ ये की है आई लेटर ये की आवाज़ दे रहा है काउंसलिंग काउंसलिंग के अंदर भी लेटर आई एल के बाद इस्तेमाल किया गया है जिसकी आवाज़ ये की है और इसका मानी मशवरा या रहनुमाई है हाईलाइट्स इसके अंदर भी ये की आवाज़ है सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस एस आई एस के बाद जो है वो यूज किया गया है आई को और यहां पे जो आवाज है इसकी वो जेर के लिए इस्तेमाल की गई है एस के बाद जो आई लेटर यूज किया गया है इसकी आवाज जेर के लिए इस्तेमाल की गई है एन के बाद अगर हम बात करें तो एन की आवाज एन के बाद जो आई की आवाज है वो ये के लिए इस्तेमाल की गई है एफ के बाद जो लेटर आई इस्तेमाल किया गया है उसकी आवाज़ भी ये के लिए इस्तेमाल की गई है फर्दर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट में टी के बाद लेटर आई यूज़ किया गया है जिसकी आवाज़ ये की है बाकी एग्जाम्पल को भी इस तरह समझिएगा डिसिप्लिन माइंड और इंट्रोडक्शन अगर हम इसके असूल की बात करें याद रखिएगा कि अगर लेटर आई किसी लफ्ज के शुरू में आए तो ये आई की आवाज़ यानी उर्दू में जब लिखेंगे तो आई अलीमदा और ये की आवाज़ प्रोड्यूस करेगा दरमियान में आए तो आमतौर पर अलीफ या बाजुकात इसकी आवाज़ मिट उमिट भी की जाती है और आखिर में आए तो छोटी ये की आवाज़ देता है जिसकी एग्जाम्पल चंद एक ये है सफारी सफारी इस वर्ड में देखिए तो आई जो लेटर है वो के एंड पे इस्तेमाल किया गया है और इसके ट्रांसलिट्रेशन के अंदर इसकी आवाज़ ये की है दूसरा वर्ड है टिन, टिन जिसका मानी टीन है डब्बा वगैरह जिसे हम कहते हैं टिन तो इसके अंदर अगर हम गौर करें तो इसके अंदर इसकी आवाज नहीं है ये टी और एन को बेसिकली पढ़ा जा रहा है नेक जिप है इसके अंदर भी आई की आवाज नहीं है आयरन आयरन के अंदर जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अलीमदा और ये की आवाज जो है वो प्रोड्यूस की गई है जिसका माननी लोहा है फर्दर मूव करते हैं अगला असूल ये है कि अगर आई के बाद बी एन या लेटर पी आ जाए बी एन या लेटर पी आ जाए तो आई आमतौर पर अपनी आवाज़ नहीं देता या आमतौर पर अपनी आवाज़ खो देता है जिसकी एग्ज़ाम्पल ये हैं ज़िप जिसकी पहली एग्ज़ाम्पल ये है ज़िप अभी हमने ये डिस्कस किया कि अगर आई के बाद लेटर पी आए एन आए या बी आए तो ये अपनी आवाज़ नहीं देता जिप यहाँ पे जी और पी की आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है जबकि आई की आवाज़ नहीं है क्योंकि पी अगर आएगा तो इसके बाद इसकी आवाज नहीं आएगी टिन यहां आई के बाद एन यूज किया गया है इसलिए भी इसकी आवाज नहीं होगी निब इन निब और यहाँ पे एन आई बी आई के बाद लेटर बी इस्तेमाल किया गया है इसलिए इसकी आवाज प्रोड्यूस नहीं होगी अगला लेटर जे है और जे बहुत सिंपल है जे आमतौर पर जीम की आवाज देता है अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें जैकाल गीदड़ यहां पे जिम की आवाज है जजमेंट जिम की आवाज जग जिम की आवाज प्री जुडाइस प्री जुडाइस जिम की आवाज जे की मेजस्टी जिम की आवाज बी जिम की आवाज जस्टिफाई इंसाफ जिम की आवाज मैरी जियोना मैरी ज्यूना भंग इसमें भी जीम की आवाज है अगला लेटर के है और के आमतौर पर के की आवाज देता है सॉरी काफ की आवाज देता है तो इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं पहला लेटर रिस्की सॉरी पहला वर्ड रिस्की है जिसके अंदर इंग्लिश लेटर के काफ की आवाज दे रहा है स्काई, इसके अंदर भी काफ की आवाज सीक काफ की आवाज बैकग्राउंड काफ की आवाज अनचेक काफ की आवाज एट स्टेक काफ की आवाज इसका असूल जो याद रखने वाला है अगर इंग्लिश लेटर में के से पहले सी आ जाए अगर इंग्लिश लफ्ज में के से पहले सी आ जाए तो काफ के तल्फ पर जरा दबाव बढ़ जाता है जैसा कि क्लॉक क्लॉक सी एल ओ सी के सी के बाद लेटर के आया है इसलिए इसको थोड़ा सा दबाव के साथ तलफज पर दबाव के साथ इसको पढ़ेंगे बैक पिक पिक जिसका हमारी चुनना है इसी तरह क्विक बहुत इंपॉर्टेंट अगर के के बाद लेटर एन आ जाए अगर इंग्लिश में के, के बाद लेटर एन आएगा तो के अपनी आवाज नहीं देगा जिसकी एग्जांपल ये है नो जानना के एन ओ डब्ल्यू क्योंकि यहां पे एन से पहले लेटर के आया है इसलिए ये के अपनी आवाज नहीं देगा नाइफ के एन आई एफ ई -E, नाइफ चाकू निट, बुनना यहां भी के की आवाज नहीं है नोक के एन ओ सी के यहाँ भी के अपनी आवाज़ एन की वजह से नहीं दे रहा अगला असूल ये है कि अगर के के बाद लेटर एच आएगा तो के एच मिलकर खे की आवाज़ देते हैं और कभी कभार खे खे जो दूसरी खजूर वाली हम लिखते हैं उसकी भी आवाज़ देता है अलबत् अंग्रेजी के अंदर इंग्लिश जबान के अंदर ऐसी कोई आवाज़ नहीं है ये आमतौर पर ट्रांसलेट्रेशन लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एग्जाम्पल जो है आपके सामने है खान जब हम उर्दू के अंदर उर्दू वर्ड खान को इंग्लिश के अंदर लिखेंगे रोमन इंग्लिश के अंदर या ट्रांसलिट्रेशन उसके लिखेंगे तो खान के एच खे की आवाज़ देगा इसी तरह खाकी खाकी रंग जो है के एच ए के आई के एच जो है वो मिलकर खे की आवाज़ देगा सिख सिख के अंदर एच जो है वो खे खजूर वाली उसकी आवाज़ देगा उम्मीद करता हूँ कि ये लेटर जो आज हमने डिस्कस किए ये आपको समझ आए होंगे इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा इनको लर्न कीजिएगा और बाकी जो लेक्चर वन टू थ्री हैं उनको भी रिवाइज कीजिएगा इन मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर बेस्ट विशेष अल्लाह हाफिज़